अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कायनात और आप देख रहे होंगे आज मुझे बेड पे देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मैंने वीडियो का टाइटल दिया स्किन केयर रूटीन। तो मेरी जो स्किन केयर रूटीन है वो बेड से ही स्टार्ट होती है। वो कैसे, वो मैं आपको बताती चलूँ। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले वार्म वाटर पीती हूँ, ल्यूक वार्म भी नहीं, वार्म वाटर। वार्म वाटर इसलिए क्योंकि मुझे सुबह उठते ही अपनी बॉडी को जो मेरी सारी रात के मैंने खाया होता है उसके टॉक्सिन रिमूव करने होते हैं, फ्लश आउट करने होते हैं, और मुझे मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हुई होती है तो मैंने उसको हाइड्रेट करना होता है। इसलिए सबसे पहले उठते ही गर्म पानी पीती हूँ। मैं गर्म करवा लिया था मैंने, तो मैंने अब मैं जो पीती हूँ वो मैं 2 ग्लास गर्म पानी पीती हूँ। लेकिन उसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है, आपने क्या करना है, आपने भी सिप सिप करके पीना है, क्योंकि गर्म पानी पीना है। तो ये जो मैंने पानी दिया है ये बड़े मग में, ये जो है वो 2 ग्लास है, तो मैं 2 ग्लास लाजमी पानी पीती हूँ। इससे मेरी बॉडी सारा दिन हाइड्रेट रहती है और जो भी होता है मैं बहुत हल्का फुल्का सारा दिन फ्रेश फील करती हूँ। मेरा सारा जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो इसके बाद हमारी स्टार्ट होगी है हम स्किन केयर रूटीन की। उससे पहले आपने ये टूथब्रश करने से पहले करना है। तो चलिए आइए, पहले हम चलते हैं हमारी पानी पीने के बाद हम अपनी स्किन केयर रूटीन के पास। तो मैं वॉशरूम में आ गई हूँ, यहाँ पर आकर मैं आप मुझे देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है अपनी स्किन केयर रूटीन। ये मैंने ऐसे सीक्वेंस वाइज इसलिए रखी है, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने सबसे पहले जो जो मैं यूज़ करूँगी वो मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताती चलूंगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है, आपने ये जो पेटल फ्रेश है, ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ, सबसे पहले पेटल फ्रेश का फेस वॉश। तो ये फेस वॉश हमने सबसे पहले फेस वॉश यूज़ करना है। मैं पेटल फ्रेश का यूज़ कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप भी पेटल फ्रेश का यूज़ करें। जो आप यूज़ करते हैं, जो आपकी स्किन को सूट करता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, हमने इसे फेस वॉश करना है और हमने इसकी थोड़ी सी क्वान्टिटी लेनी है। मैं थोड़ी सी क्वान्टिटी लूँगी, ये देखिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ली। इसके बाद मैंने इसको फेस वॉश करना है। इससे मैंने अपने इस फेस के जो सारी रात मैंने नाइट क्रीम वगैरह और ऑयल वगैरह सीरम वगैरह लगाए होते हैं उसको डर्ट को रिमूव करना है। तो ये रिमूव करने के लिए फिर मैंने इसके साथ मैंने अपने सर्कुलर मोशन में साथ साथ मसाज देना है हल्का सा। ज़्यादा हमने ज़ोर से नहीं देना, थोड़ा सा देना है सर्कुलर मोशन में। ये देखें जैसे मैं अपने हाथ में करके बता रही हूँ, ऐसे देने के बाद हमने फिर इसको थोड़ी देर बाद मसाज देने के बाद फिर हमने थोड़ी देर बाद इसको ठंडे पानी से धो लेना है। ये देखें थोड़ा सा मसाज किया, फिर हमने ये ठंडे पानी के साथ धो लिया। हमने गर्म पानी यूज़ नहीं करना, गर्म पानी हमारी स्किन को जो पोर्स है उनको ओपन कर देता है, तो वो हम सिर्फ स्क्रबिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हम फेस वॉश किया मैंने, इसको फेस वॉश करने के बाद फिर हमने इसको ठंडे पानी से धो लिया। धोने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसके बाद हमने करनी है हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 2, क्लिनजिंग। क्लिनजिंग के लिए मैंने जो यूज़ किया है वो है फिजियो जेल। फिजियो जेल जो है थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन आपकी स्किन जिनकी ड्राई है, सेंसिटिव है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं इनको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी। ये मुझे बहुत सूट किया है, मुझे इतना कोई भी क्लिनजिंग सूट नहीं किया, ओलिविया के बाद मुझे ये सूट किया है। तो ओलिविया मैं पहले लगाती थी लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगा। तो इसकी भी थोड़ी सी क्वान्टिटी हमने ले लेनी है, इसको भी हमने सर्कुलर मोशन में ऐसे मसाज देना है। तो ये देखिए हमने ऐसे इसको सर्कुलर मोशन में मसाज दिया, ये मैं मसाज कर रही हूँ। फिर इसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी को फेस पे लगा के इस तरह मैं मसाज दूंगी। फिर 2 मिनट के लिए हमने करना है, इससे ज़्यादा हम अगर कर सकते हैं 5 मिनट के लिए कर लें, लेकिन सुबह हमारे पास टाइम कम होता है। तो फिर हमने ये इसको भी क्लीन कर लेना है। फिर इसके बाद जो हमारा आता है थर्ड स्टेप के लिए जो मैं यूज़ करूँगी वो है टोनर। टोनर हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करना है टोनर यूज़ करना है, कोई भी ले ले, चाहे वो रोज़ वाटर ले ले। मैं रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, मैं कोकम्बर का भी टोनर यूज़ कर चुकी हूँ, वाटर मेलन का भी यूज़ कर चुकी हूँ, मिनी सू से मैंने सारे ले चुकी हूँ। लेकिन मुझे वो थोड़े मुझे अच्छे सूट भी करते हैं, लेकिन मुझे जितना ये रिफ़्रेशिंग फील देता है उतना कोई भी टोनर नहीं देता। रोज़ वाटर ये हमारे लिए अफोर्डेबल भी है और हमें इस तरह स्किन से थोड़ा सा दूर करके हमने इसको यूज़ करना है। फिर उसके बाद हमने इसको ड्राई होने देना है। तो ड्राई होने देने के लिए, तब तक मैं ये ड्राई हो रहा है मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बताती चलूँ। नेक्स्ट जो है ये मेरी सबसे पहली जो वीडियो थी, माय फर्स्ट वीडियो जो मैंने वहाँ पे, ये मैंने सीरम बनाना आपको बताया था, ये वही सीरम है जिसको मैंने कहा था कि हमारी डल और ड्राई स्किन के लिए ये बेस्ट है, चाहे वो एक्नी प्रोन क्यों ना हो। तो ये सीरम उसके लिए है। इसमें हमने जो ये ऑयल यूज़ किए थे ये हमारी स्किन के लिए, जो ऑल टाइम विंटर के लिए, ये हमें स्किन को हमें हाइड्रेट रखेगा और मॉइस्चर देगा, ये हमारी स्किन में बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाएगा। तो इसके हमने थोड़े से ड्रॉप्स लेने हैं। तो उसके लिए पहले मैं आपने लेकिन अपने स्किन को ड्राई होने देना है। लेकिन मैं इसको ये साफ इसलिए करी क्योंकि अभी मैंने वीडियो में आपको बताने के लिए, वरना आपने रोज़ वाटर ड्राई
करने देना है, इसलिए आपने साफ नहीं करना। तो आपने थोड़े से ये ड्रॉप्स ले लिए सीरम के, फिर इस तरह हमने ऑब्ज़र्व करना है ऐसे स्किन पे, ये बहुत जल्दी और अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाएगा। इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है इन ऑयल्स की, मैंने आपको बताया था इस वीडियो में, जो सीरम बनाना सिखाया था ये आपने लगाना है, ये मैं लगाती हूँ। फिर इसके बाद मैं इसको लगा के 15-20 मिनट के लिए अपने बाकी आम रूटीन के काम कर लेती हूँ, आप भी अपने काम कर लें। फिर उसके बाद हमने ये काम करने हैं, फिर उसके अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेप, वो क्या है, सॉरी फिफ्थ स्टेप, वो है हमारा मॉइस्चर। तो कोई भी हमने मॉइस्चर यूज़ कर लेना है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने यूज़ किया है मिनीसू का वाइटनिंग, ज़रूरी नहीं है यही आप यूज़ करिए, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ये मुझे अच्छा लगा तो मैं इसलिए यूज़ करती हूँ। मैं पहले निविया का भी यूज़ करती थी, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, वैसलिन का, जो भी आप यूज़ करें मॉइस्चराइज़र कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाइटनिंग कर यूज़ करें, इससे ये हमें है कि ये वाइटनिंग ग्लो भी देता है, ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ। इसकी जो प्राइस है ये मिनीसू में 900 की थी, तो मैंने ये 900 की मेरी दूसरी बोतल है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं दूसरी बोतल यूज़ करी। इसकी भी हमने थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, और इसको हमने जैसे हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वैसे हमने इसको लगा लेना है। ये मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद फिर हमने इसको ऐसे थोड़ा सा मसाज देना है, हल्का सा हमने ऑब्ज़र्व करना है अपनी स्किन पे, फिर इसको हमें लगा रहने दें। तो ये हो गया हमारी फुल डे की केयर रूटीन में आ गया। तो फिर हमारी स्किन को कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब हम बार बार फिर उसके बाद हम कुछ और लगाएं, हमारी फुल डे में हमें पूरी स्किन को हाइड्रेट रखेगा। इसके बाद आप वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, जैसे मैंने कहा था नमाज़ हमारी स्किन को बहुत नूर और खूबसूरती देती है, तो इसलिए मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ तो फिर मैं ये लाजमी लगाती हूँ। तो हमारा ये जो आखिरी स्टेप है ये आपने भूलना नहीं है, ये जो है ये है सनब्लॉक। ये बहुत मोस्टली लोग इसको स्किप कर देते हैं, पहले मैं भी स्किप कर देती थी, मैं कहती थी मैं कौन सा बाहर जाती हूँ जब मैं बाहर नहीं जाती थी, लेकिन ये सनब्लॉक हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी आप स्क्रीन यूज़ करें आप वही लगाएं, ज़रूरी नहीं यही लगाएं। ये मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, स्किन डॉक्टर ने, ये मुझे बहुत सूट किया है। ये सीबम कंट्रोल ना सन ब्लॉक है, ये हमारे स्किन की ऑयली और ग्रीसी होने से भी बचाता है। तो मैंने ये जब यूज़ किया तो मुझे ये बहुत सूट किया। तो ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी भी आपने थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, ये हमें फुल कवरेज देगा, हमारी पूरी स्किन को बहुत अच्छे से कवर कर देगा। तो हमें डर्ट हो, डस्ट हो या फिर हीट हो, जिसके पास भी जाना हो, तो ये हमें सनब्लॉक लाजमी होता है। ज़रूरी नहीं आप बाहर जाएं तब भी यूज़ करें, लेकिन जब भी आप जाएं तो आप ये यूज़ लाजमी करें। तो ये हमने लाजमी यूज़ करना है, आपने ये नहीं है, ये हर हाल में आपने स्किप नहीं करना। तो ये हमने अच्छे से लगा लिया, फिर इसके बाद आप नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें, जो भी करें, फिर उसके बाद दोबारा ये अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो असल थी हमारी क्लिनजिंग और फेस वॉश, वो हमने एक ही टाइम करना था, उसके बाद आप ऑयल जब वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, फिर उसके बाद लगा सकते हैं। आपने नमाज़ को स्किप ना किया करें, कोशिश किया करें 5 वक्त की पढ़ के, इससे हमारी स्किन को बहुत नूरानियत मिलती है। तो ये देखें अब आखिरी जो मेरा है ये लिप्स को हम अक्सर भूल जाते हैं, हम समझते हैं हमारी सिर्फ स्किन को ग्लो के लिए और हाइड्रेट करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे स्किन के लिए भी लिप थेरेपी की भी ज़रूरत होती है। तो ये मैं वैसलीन की लिप थेरेपी यूज़ कर रही हूँ, ये जो छोटी सी है ये मैंने 300 की ली थी कारफोर से, आपको अब कहीं से भी मिल जाएगी, ये अब ईज़िली अवेल है हर जगह से। तो आपने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, ये लिप्स को 100% मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, लिप्स को आपके फुल डे आपको हाइड्रेट रखेगी। इसके बाद आपको अपने लिप्स पे कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, ये मेरी पूरी विंटर में ये ना ख़त्म नहीं हुई, इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लगानी पड़ती है, 300 की अभी तक चल रही है और मेरे लिप्स एक बार भी ड्राई और पैची नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं फटे मेरे स्किन को, लिप्स को ये बहुत सूट किया। तो दुआ में याद थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।